कितना फल मिलता है शिवरात्रि की पूजा में? महापुराण कह रहा है बोले एक वर्ष तक सविधि शिव आराधना करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना महाशिवरात्रि में एक बार शिव जी को जल चढ़ाने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से शिवरात्रि में उतना फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, केवल फाल्गुन मास की चतुर्दशी नहीं, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, बहुत ध्यान से सुनना त्यागी जी, हर महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो मास चतुर्दशी कहलाती है। और मास चतुर्दशी में जो शिव पूजा करता है उससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उस दिन बिलपत्र चढ़ा दिया जाए, भस्मी चढ़ा दी जाए, समीपत्र चढ़ा दिया जाए, कुछ नहीं तो जल चढ़ा दिया जाए, दीपदान कर दिया जाए, भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं। मास शिवरात्रि की पूजा का भी शिव महापुराण में विशेष महत्व लिखा हुआ है। और फिर महाशिवरात्रि जो फाल्गुन की है उसमें करें तब तो कहना ही क्या है। अच्छा, प्रायः लोग ये समझते हैं कि शिवरात्रि में शिव जी का विवाह हुआ, ये भगवान शंकर के विवाह की तिथि नहीं है। महाशिवरात्रि भगवान शंकर के प्राकट्य की तिथि है, जो ज्योति रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए वो तिथि है महाशिवरात्रि। भगवान शंकर भगवान विष्णु से कह रहे हैं तत् फलम मम पूजा बरसो एकम निरंतर तत् फलम लम लम जते सत्या शिवरात्रो तदर्चना। एक वर्ष की पूजा का फल एक शिवरात्रि की पूजा से प्राप्त हो जाता है। यह स्थान जहां आज मैं प्रकट हुआ हूं यह लिंग स्थान के रूप में कहा जाएगा। और आज मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूं, आज से मेरी लिंग पूजा प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन भगवान शंकर ने कहा। तो वह स्थान कौन सा था पंकज जी? वह था अरुणाचल। अरुणाचल स्थान में अरुणाचल पर्वत पर भगवान शंकर प्रकट हुए थे, तो वह स्थान लिंग स्थान के रूप में जाना गया। और भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए तो उस दिन से ही शिवलिंग की पूजा देवताओं ने पूजा प्रारंभ की। सबसे पहले भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की, फिर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की, और फिर जो है देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की, फिर ऋषियों ने शिवलिंग की पूजा की, फिर मनुष्यों ने शिवलिंग की पूजा की, फिर राक्षसों ने शिवलिंग की पूजा की। इस तरह से शिवलिंग की पूजा का क्रम संसार में प्रचारित हो गया।